द लेक्चर आल्सो। आपके पास ये पीडीएफ में बुक अवेलेबल होगी, ठीक है। तो इसमें द इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द सीरीज कनेक्टेड डायोड्स, ठीक है। तो व्हेनेवर वी नीड इन द हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस, तो हमें उनमें जरूरत ये होती है कि हमारे पास डायोड की जो रेटिंग है वो मैच नहीं कर रही होती जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन है उसकी वोल्टेज रेटिंग से। व्हाट वी हैव टू डू, वी टेक द डायोड्स एंड टेक अ कॉम्बिनेशन इन द सीरीज। उनको सीरीज में हम जब कंबाइनली हम यूज करेंगे तो क्या होगा, दे कैन बियर द वोल्टेज क्रॉस देम देन देयर रेटेड वन, ठीक है। उसकी एक एग्जांपल है, अभी लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। देखिए आपके सामने इसकी सर्किट डायग्राम है कि सीरीज में कनेक्टेड डायोड्स, ठीक है। VT इज द वोल्टेज सोर्स, अगर मैं ये आपको कर्सर मेरा मूव कर रहा है, दो डायोड है आपके पास। सपोज यू हैव अ सोर्स ऑफ 400 वोल्ट्स एंड यू हैव टू डायोड विद 200 वोल्ट्स ईच विद द रेटिंग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनको सीरीज में यूज कर लेंगे। जो डायोड की वोल्टेज रेटिंग है दैट इज इंपॉर्टेंट इन द रिवर्स, ठीक है। करंट रेटिंग जो है वो फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड, और जो आपकी वोल्टेज जो है वो रिवर्स ब्लॉकिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट। बट द इशू विद दिस कॉन्फ़िगरेशन इज दैट, ये देखें आप कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखें इसकी, डायोड की आई वी कर्व। इसमें देखें दोनों डायोड, इवन इफ दे आर ड्रॉन ऑन द सेम डाई, दे हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इनका। बट इन द केस इन सीरीज में इशू ये होगा कि करंट एक ही फ्लो करेगा इन द रिवर्स डायरेक्शन। So saturation current is flowing through the diode and this current is the same because diodes are connected in series. Series में diode का ये issue है। तो जब हम इसकी characteristic curve को देख लें तो उसमें आप देखें कि ये current same होगा but it is bisecting in the reverse direction on two different voltages. That is interesting. कि जो भी यहाँ पे voltage आएंगे across that is not equally shared. ये इक्वली शेयर नहीं हो रही दोनों डायोड्स में। रीजन इज दैट कि जब भी कोई जो 5% का जो मार्जिन होता है पैरामीटर्स में, 5% टॉलरेंस, दैट इज रिजल्टेंट इन दिस केस कि अगर सेम सैचुरेशन करंट है तो देन वी हैव अ डिफरेंट वोल्टेजेस अक्रॉस द डायोड। इस चीज को ओवरकम कैसे करेंगे हम, लेट्स सी। इसको ओवरकम करने के लिए एक थोड़ी सी डिफरेंट स्कीम है, दिस वन, ये देख रहे हैं। तो भाई देख रहे हैं, सो गए सारे? नहीं यार, देख रहे हैं सर, देख रहे हैं। ये देखें इसमें क्या किया है कि हर डायोड के पैरेलल में एक रजिस्टर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये रजिस्टर का पर्पस क्या है, बेसिकली ये रजिस्टर जो है दैट विल कंट्रोल द करंट थ्रू दिस डायोड। ये रिवर्स में ये कंट्रोल करेगा, बाय चूजिंग द वैल्यू ऑफ द रजिस्टर वी कैन एडजस्ट द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड। रीजन क्या होगी कि ये रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगी, रजिस्टर की वैल्यू जो है दैट विल डिसाइड द, रजिस्टर बड़ा होगा तो करंट कम गुजरेगा इसमें से, ऐसे ही जी सर। रजिस्टर की वैल्यू कम होगी तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा। ये ऐसे ही है जैसे अब ये देखें, अब इस केस में क्या होगा कि यू हैव अ टू पाथ फॉर द करंट। ये देखिए टोटल सैचुरेशन करंट सर्किट डायग्राम पे आएंगे ना, आई एस, इट विल बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, वन इज गोइंग थ्रू द रजिस्टर, वन इज गोइंग थ्रू द डायोड, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों सम अप हो जाएंगे दरमियान में दोबारा, then again depending on the value of the resistor they will be divided among D1 and R1, ठीक है। Now if you select the resistor such that आप ऐसे resistor को select करें कि diode D1 और D2 के cross voltage equal हो, जब equal voltage होगी तो line same होगी, तो इस case में क्या होगा कि the saturation current flowing through the diodes are different, इसमें से और इसमें से current जो हो क्या होंगे वो डिफरेंट होंगे।
आप बेसिकली थोड़ी अगर मैं तेज जा रहा हूँ तो आप कुछ नहीं, आप रुक के पूछ भी सकती हैं। सर ये बात तो पिछले वाली डायग्राम वाली हो गई ना, उसमें भी ऐसे ही था, मतलब सेम ही चीज थी। अगर हम सेम वोल्टेज पे देखें तो डिफरेंट करंट है, पर उसमें हमने उल्ट देखा था। नहीं, उस जो डायग्राम में उसमें ये फर्क था कि हमारे पास रास्ता ही एक है। जो लास्ट अगर हम पीछे जाएं, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास पाथ एक है, सिर्फ डायोड में से गुजरना है सैचुरेशन करंट में। लेकिन यहाँ पे हम डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टर हम एडजस्ट कर सकते हैं इस करंट को जो डायोड में से गुजरेगा। ये देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। अब सिंपल अगर हम देखें यहाँ पे, हम एक चीज देखें तो यहाँ पे जो इनकमिंग करंट है ये IS2 प्लस IR2, ठीक है, इट शुड बी इक्वल टू IS1 IR1। ये एग्री करते हैं आप? जी सर। तो यहाँ पे करंट है, ये देखिए मैंने जो मार्क किया है, और जो यहाँ पे करंट है ये सेम होगा ना, जो नीचे से ऊपर जा रहा है वही आगे तकसीम हो रहा है ना जी सर। यही चीज हमने यहाँ पे लिखी है, देखिए टोटल जो सैचुरेशन करंट है इट विल बी सम ऑफ IS1 IR1। ये और हमारे पास ये R1 में से जो करंट है ये क्या है, VT1 ओवर R1, और IR2 में से जो करंट है वो क्या है, द वोल्टेज क्रॉस दैट डायोड डिवाइड बाय द रेजिस्टर। तो ये इक्वेशन हमारे पास ये चीज पर, ठीक है जी, ये बात समझ आ गई यहां तक में? जी जी सर, ये इट्स क्वाइट इजी। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है कि जो आपका सोर्स है दैट विल बी डिवाइडेड अक्रॉस द डायोड। ये देखें जो पहले हम डायग्राम पे जाएं, ये हमने कहा है ना कि ये जो सोर्स है इट विल बी क्रॉस दिस डायोड एंड दिस डायोड, ऐसे ही है जी इंसान? जी जी बिल्कुल सर, ऐसे ही। नाल बच्चे ने नहीं खिला रहे, एची होने थी? नहीं सर, मैं कल ही बैठा सर। नाउ इफ वी कंसीडर दिस वन, अगर ये डायग्राम देखें इसमें भी तो ऐसे ही है ना, ये एक ही पॉइंट है ना, यहाँ पे ये जो इसके क्रॉस होगी पैरेलल में यहाँ पे होगी वोल्टेज, और जो यहाँ पे ये जो रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज होगी दैट विल बी क्रॉस दैट डायोड, ठीक है। अब ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, VD1 plus VD2 is equal to VS, that is the source voltage, और दूसरी ये equation। एक ऐसे एक problem करेंगे, उससे पहले एक एक important चीज है। Important चीज क्या है, ये तो हमने दे दिया जी, ये थी steady state conditions। जब setup होगी voltage, सारे मामला settle हो गए, तो ये चीज होगी। लेकिन जब आप just circuit को on करेंगे, तो हमने शुरू में पढ़ा था कि transient under transient conditions, यानी आपने 1000 वोल्ट दिया है तो 0 से 1000 तक का जो स्टेप है dB/dt वो तो इस यानी इस डायोड्स को डैमेज कर देगा। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये देखिए एक ट्रांजिट वोल्टेज शेयरिंग है। कैपेसिटर की क्या प्रॉपर्टी है, कैपेसिटर डजंट अलाउ द वोल्टेज टू राइज अक्रॉस इट अब्रप्टली, कि ये अपने अक्रॉस वोल्टेज को अचानक से चेंज नहीं होने देता। ये जो ये दो ब्रांचेस हैं, ये दीस कनेक्टेड ब्रांचेस, दे विल हेल्प टू प्रोटेक्ट द डायोड अंडर दैट ट्रांजिएंट कंडीशंस, ठीक है भाई? जी सर। ठीक है जी, सही है सर। अच्छा, ये बड़ा अहम है, ये बड़ा अहम न्यूमेरिकल है। ये सारी की सारी जो बातें मैंने आपको बताई दैट विल बी यानी ये टेक्स्ट में एक्सप्लेन की। अब इसके साथ ये एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि वोल्टेज शेयरिंग है, इसके दो पार्ट है इस प्रॉब्लम के। एक में उसने ये कहा है कि टोटल वोल्टेज हमारे पास है 5 किलो, ठीक है, यानी यहां पे जो सोर्स है वो 5 किलो वोल्ट है, ठीक है। उसने रजिस्टर की वैल्यूज दे दी हैं और कहा है ये देखिए रेजिस्टर की वैल्यू दी है R1 एंड R2, दैट इज 100 किलो ओम,
और कहा है कि फाइंड द डायोड वोल्टेज इफ वोल्टेज शेयरिंग रेजिस्टर्स आर इक्वल। उसने कहा है कि रेजिस्टर इक्वल है, हमें वोल्टेज शेयरिंग कैलकुलेट करनी, दैट इज VT1 एंड VT2 कैलकुलेट कर, IS1 IS2 दे दिया। अब ध्यान से देखें, अगर हमारे पास दो इक्वेशन है और दो ही अननोन है, कैसे? अब आपके पास ये भी आ गया, IS1 भी आ गया, ये भी आ गया, और यहाँ पे आपके पास ये 5 किलो वोल्ट के इक्वल है ना, VT1 VT2 इज 5 किलो वोल्ट। जी सर। यहाँ पे भी ये दो अननोन है आपके पास, VT1 VT2, यहाँ पे भी यही दो अननोन है, दो इक्वेशन दो अननोन है, हो जाएंगे कैलकुलेट भाई? जी हो जाएंगे। हो जाएंगी ना? बिल्कुल सर। ये नेक्स्ट पेज पे ये देखें, ये आपके पास क्वेश्चन है, इसमें उसने सारी पुट अप की, यहाँ से एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में की, आई थिंक यू कैन डू इट। ये एक आधा मिनट ले जरा, इसको कुछ सॉल्व करें, कॉपी पेंसिल लेके बैठे हैं या ऑर्डर करने आए हैं? बैठे हैं सर, बैठे हैं सर। देखें इसको, सर वो न्यूमेरिकल दिखाते हैं। ये बुक है सबके पास? जी सर। कुछ ना कुछ मेरा ख्याल फॉर्मुलेशन हो गई होगी अब आपके एंड पे ना। कुछ बात समझ में आ गई थी? जी सर। अच्छा, अब इसका नेक्स्ट पार्ट है। चले, ये मैं बिलीव करता हूँ आपकी उम्र और तजर्बे से कि आप कर लेंगे चीज को। दूसरी चीज जो उसने पूछी है, दैट इज फाइंड द वोल्टेज शेयरिंग रेजिस्टेंस इफ डायोड वोल्टेज आर इक्वल। अब वो कह रहा है कि ये अब दोनों इक्वल होनी चाहिए, यानी VD1 VD2 इज इक्वल टू VD बाय, यानी हर एक के क्रॉस 5 किलो वोल्ट है तो 2.5 2.5 आनी चाहिए। अब टेक्निकली हमारे पास इक्वेशन एक है, अननोन दो हैं, अननोन दो कैसे, एक में R1 है एक में R2 है, ठीक है? इक्वेशन एक है, अननोन दो हैं, क्लियर होगी बात? उस केस में क्या करेगा, एक को ज़ूम कर लेगा वो, लेट्स टेक R1 इज इक्वल टू 100 किलो, उससे दूसरी कैलकुलेट होती है, ठीक है? देखिए ये इक्वेशन है ना आपके पास, इसमें आपके पास एक ही इक्वेशन है लेकिन अननोन दो हैं, तो एक ज़ूम कर लेंगे तो दूसरा आ जाएगा ना? बिल्कुल जी सर। जी सर, मेरा ख्याल आप कर लेंगे कि आप हो जाएगा। जी हो जाएगा, हो जाएगा। इसके बाद है जी पैरेलल कनेक्टेड डायोड। वो पिछली बार हम जो कर रहे थे कि सीरीज में जो था वो वोल्टेज कैरिंग कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए, और अगर आप करंट कैरिंग कैपेबिलिटी एनहांस करना चाहते हैं तो चीजें पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, सो दैट करंट हैज मल्टीपल पाथ्स, ठीक है? अब करंट कैरिंग कैपेबिलिटी, इसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे हमने देखा R1 R2 वहां पे रेजिस्टर लगाए थे, तो ये रेजिस्टर्स का पर्पस यहां पे ये है, यू कैन एडजस्ट द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ईच डायोड, ऐसे है जी? जी ठीक है। तो वहां पे भी ये, वहां पे जो रजिस्टर का वो भी यही पर्पस था, इस यहाँ पे इसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है? अब ये तो थी स्टेडी स्टेट कंडीशंस, ये देखें ये स्टेडी स्टेट में आ गया, हमें समझ आ गई। लेकिन डायनामिक में, जब हम डायनामिक यहाँ ट्रांजिट कंडीशन में जब इसको ऑन करेंगे सर्किट को,
और वी आर जस्ट गोइंग टू टर्न द स्विच ऑन विद द 1000 वोल्ट विद द सप्लाई, तो क्या होगा कि करंट बहुत तेजी से फ्लो करेगा इसमें से, ठीक है। तो अब डायोड को बचाना है डीआई बाय डीटी रेटिंग, ठीक है। पिछले केस में क्या था, वोल्टेज का सर जाएगा, अब इसमें क्या आएगा, करंट है ना, तो करंट का सर जाएगा, तो हम इंडक्टर लगाएंगे सीरीज में, सही हो। लेकिन ये जो जी का निशान बना हुआ, ये और करें नजर आ रहा है कर्सर, जी सर, सर बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, जी सर जी। हाँ, तो ये इसकी कोई समझ आ रही है, ये कपलिंग है। कपलिंग कैसे है, इफ आई एम टेकिंग डी टू ब्रांच, ये डी टू वाली ब्रांच को देखें, तो यहाँ पे पोलैरिटी क्या होगी, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे मैंने अभी ये देखा, यहाँ पे प्लस होगा जी सर, यहाँ पे माइनस होगा, ऐसे ही है जी, जी बिल्कुल सर। सपोज इस ब्रांच में रेजिस्टेंस कम है, यानी इनिशियली आपने ऑन किया है इसको 500 एम्पीयर, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कम नजर आई, तो सारे का सारा यहाँ पे फ्लो करेगा, यहाँ पे प्लस है, तो ये जो कपलिंग है, ये प्लस का मतलब ये है कि ये इनवर्सली यहाँ पे प्लस आएगा इसका, तो इसके कपलिंग होगी जो इंड्यूस होगी, ट्रांसफार्मर में भी ऐसे होता है ना सर, ये पॉइंट जरा रिपीट कर दीजिए, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे प्लस साइन आएगा, ये तो आपका मानना है ना, करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है नीचे, जी सर। और ये देखें, ये इनवर्स कपलिंग है, यहाँ पे प्लस है, तो ये देखें, तो ये जो प्लस है, जो यहाँ से म्यूचुअल कपलिंग इंड्यूस होगी, वो यहाँ पे प्लस जनरेट करेगी, जैसा तो अडाप्ट खड़ा है, खैर होगी जैसा जी सर। सवाल को पूछना है सर, सर इसमें हम अच्छा सर, इसमें हम वॉइस कट रही है, सर इसमें हम जो इंडक्टर L2 है, वो अगर हम L1 को कपलिंग कर ले, मतलब आप कह रहे ना कि L2 ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, एक ही बात है ना, तो इसको कंसीडर कर ले, एक को ले ले, किसी एक को ले ले, यहाँ पे प्लस ले ले, यानी यहाँ से ज्यादा करंट फ्लो करेगा, तो यहाँ से प्लस आएगा पहले, यानी ज्यादा फ्लो कहाँ से ज्यादा कर रहा है, यहाँ से प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपोजिटली इंड्यूस करेगा दूसरी तरफ, अगर ये प्लस है तो यहाँ पे ये जो प्लस है, ये नेगेटिव ऊपर चला जाएगा, प्लस नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या सर, सर ये सर हम ये क्यों करते हैं, मतलब कपलिंग आप कह रहे हैं कि हम करते हैं, मतलब उसकी रीजन क्या है, क्यों मतलब हम उसको इनवर्स कर रहे होते हैं, वही बताने जा रहा हूँ, सुनो तो सही। यहाँ पे अगर सपोज प्लस है, ये देखिए ये निशान मैंने बनाया, ये प्लस का निशान है यहाँ पे, ये माइनस का है, तो ये माइनस जो है इधर इधर माइनस जाएगा, ऐसे ही है जी सर। तो ये जो इफेक्ट है, ये देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये जो इफेक्ट होगा ये इंडक्शन का, ये क्या करेगा, यहाँ पे जो ज्यादा करंट फ्लो कर रहा था वो इसकी डायरेक्शन इधर कर देगा, यानी यहाँ से ज्यादा करंट फ्लो करने की कोशिश कर रहा था, ये इंड्यूस कपलिंग क्या करेगी, हेल्प करेगी और उस करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो करवा देगी। वजह क्या, ये वाला जो ये इंडक्टिव है, ये माइनस प्लस, ये इसको सपोर्ट करती है ना, ये वाली प्रायोरिटी माइनस प्लस माइनस प्लस, बात समझ आ गई या नहीं, सही है सर, सोर्स को वो पोलैरिटी सपोर्ट करेगी, जासा साढ़े नाल हो थी? जी सर जी, आप बात समझ आ रही है, ये ड्यूस वाला जो आपने बात बताई है कि इनवर्स जो है इसकी सिचुएशन इसीलिए रखी है कि ताकि कंट्रोलिंग जो है उसमें हमें डिजायर्ड जो रिजल्ट्स हैं वो मिल सके। हां बिल्कुल ठीक हो गया, चलिए जी नेक्स्ट मूव करते हैं। सर ये डायनामिक सीरीज में नहीं होता? जी जी बताएं दोबारा। सर ये डायनामिक बिहेवियर सीरीज डायोड में नहीं होता? डायनामिक बिहेवियर सीरीज में वहां पे हमने पढ़ा था ना, वहां पे हमने उसको ट्रांजिएंट कह दिया था, ट्रांजिएंट और डायनामिक एक ही चीज है, वहां पे हमने कैपेसिटर यूज किए थे, क्योंकि वहां पे रोल था कि
जो क्या हमें मसला क्या था वहां पे हम वोल्टेज बियर करवा रहे थे, वोल्टेज डायोड बियर करता है सिर्फ रिवर्स में, फॉरवर्ड में तो कंडक्शन होती है सिर्फ, ठीक है। तो हमने वहां पे डायोड को प्रोटेक्ट करना था वोल्टेज के उसके क्रॉस जो रिवर्स में वोल्टेज आ रही है उससे बचाएं उसको। तो वोल्टेज अब्रुप्टली कौन सी चीज नहीं होने देती, कैपेसिटर, वो हमने कैपेसिटर लगा दिए थे उसके पैरेलल में। सही हो गया सर, ठीक है जी। नेक्स्ट ही मूव करते हैं जी, नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दैट टॉपिक, इसमें है ये आप नेटवर्क एनालिसिस वगैरह में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे जस्ट एक रेपिटेशन है, डायोड का रोल भी आपको ज्यादा नजर नहीं आएगा, लेकिन इसको रिपीट करना इसलिए जरूरी है कि ये थोड़ी सी मैथ की और चीजों की ना स्विचिंग वगैरह की आपको समझ आ जाए। लेट्स स्टार्ट विद दैट। ये है आरसी लोड, डायोड विद आरसी लोड, पहले डायग्राम देख लेते हैं। ये है देखिए, ये आपके पास आ गया क्लियर? जी सर, ठीक है। ये देखिए आप देख रहे हैं डायोड इज कनेक्टेड विद रेजिस्टर एंड कैपेसिटर, ठीक है। एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो स्विच इज ओपन, देन इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास डीसी सप्लाई है, तो अगर आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे तो वी एस इज इक्वल टू आई आर प्लस वन ओवर सी इंटेग्रल आई डी टी, जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज उसकी इक्वेशन क्या होती है, ये देखिए मैं वापस आता हूँ, ये देखिए, ठीक है जी। इसे एग्री करते हैं आप? जी सर, इसको मजीद ब्रेकअप करके लिख दिया। और ये वाला जो कंपोनेंट है ये इसलिए है कि इफ देयर इज एनी अदर चार्ज, यानी ये स्विच क्लोज करने से पहले कोई चार्ज अवेलेबल है कैपेसिटर पे कि नहीं, इनिशियल कंडीशन, तो हम कहते हैं कि नहीं कोई चार्ज नहीं, ठीक है। ये अजाने हो रही हैं, दो मिनट ठीक है, ब्रेक लेते हैं। सही है, आवाज नहीं आ रही, मेरी नींद है, कहती है कि आवाज नहीं आ रही। हाँ बाहर कटो जी, इसमें देखें आप, ये हमने इक्वेशन लिख ली, तो ये हम डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं आइदर बाय यूजिंग द लैपलास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। उसका सॉल्यूशन इजीली अवेलेबल है फ्रॉम द स्क्रीन, ये यकीन कर लें कि इसका यही सॉल्यूशन आएगा। आई जो करंट है वी एस और आर ई पी, अगर लैपलास लें इंटीग्रल का तो क्या आता है, एस ऊपर आएगा साथ आएगा या नीचे आएगा, नीचे आएगा, आई ओवर एस आ जाएगा, ठीक है। डेरिवेटिव हो तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब ये कैपेसिटर वोल्टेज हम कैसे निकाल सकते हैं, कैपेसिटर वोल्टेज का ये फार्मूला है, इसमें आई हम यहां से लेंगे, तो ये हमारे पास कैपेसिटर की वोल्टेज आ जाएगी, ये देखिए। अब
हमारे पास दोनों वेव फॉर्म आ गई, देखिए आई टी भी आ गए। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगर हम एक दफा डायग्राम को देखें, डायग्राम में क्या है कि जब आपने स्विच ऑन किया करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन थ्रू इट, ठीक है। इनिशियली क्या था, ये कैपेसिटर जो है ये आप जैसे ये फुल करंट फ्लो करेगा, कैपेसिटर अभी चार्ज नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास Vs और R होगा, इट शोज नथिंग व्हेन इट बिकम चार्ज, जब ये चार्ज हो जाएगा तो चार्ज कैपेसिटर के विद द पैसिव टाइम, ये देखिए ये कैपेसिटर वोल्टेज है और ये करंट की वेवफॉर्म थ्रू द सर्किट। फुली चार्ज कैपेसिटर क्या होता है, ओपन सर्किट होता है। और ये देखिए कैपेसिटर चार्ज होकर कांस्टेंट हो जाए, ये बहुत बेसिक चीज है, आप इसे घबराइएगा नहीं। विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस ये बात बताएगी, देखिए ये करंट का क्या है, ये डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है माइनस टी ओवर आर सी, क्लियर। और ये जो है ये इसमें चूंकि ये माइनस में चला गया तो ये वी एस माइनस, तो ये राइजिंग एक्सपोनेंशियल है और एक सेटल हो जाएगा आपके चार्ज, ओके ये टर्म जीरो हो जाएगी और ये आपके पास वी एस आ गया। अब नेक्स्ट उसमें क्या कहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज, के जैसे जैसे उसमें चार्ज जा रहा है तो कैसे जा रहा है, तो ये जी पी ओवर डी टी दे तो ये आ जाएगा। इनिशियली टाइम टी जीरो पे इसका रेट ये आ रहा है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस, ठीक है, इट्स वेरी बेसिक, तो मसला तो नहीं किसी को यहाँ पर, नहीं सर। अरे खामोश हैं, इसका मतलब है कि चलें जी आगे चलेंगे। अच्छा नेक्स्ट जो एग्जांपल है 2.4, इट्स वेरी बेसिक एग्जांपल, इसमें क्या है, ये सर्किट पे जरा गौर कर लेते हैं। रेजिस्टर है और कैपेसिटर है, कैपेसिटर के साथ यहाँ पे डायोड है, कैपेसिटर चार्ज है और उसमें वोल्टेज दी हुई है चार्ज 220 वोल्ट्स। क्या कह रहा है, स्विच इज क्लोज है, 3 इक्वल टू 0 डिटरमाइन द पी डायोड करंट, ऑफ कोर्स जब ये चार्ज है तो उसका मतलब ये एज अ सोर्स एक्ट करेगा, जब उसको ओपन करेंगे तो प्लस से करंट निकलेगा और डायोड में इस तरह रोटेट करेगा, पी करंट निकाल लेंगे आप वोल्टेज डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। दूसरी चीज वो कह रहा है कि कैपेसिटर वोल्टेज है t इक्वल टू 2 माइक्रो सेकंड, सॉरी एनर्जी डिसिपेटेड आपने निकाल ली इन द रेजिस्टर, तो कैपेसिटर आपको याद होगा 1/2 CV² इसका एक फार्मूला होता है, स्क्वायर इन द केस ऑफ कैपेसिटर, और इंडक्टर में होता है 1/2 LI² CV आपके पास है, CV आपके पास, बात समझ आ रही है जी जी सर, इशू तो नहीं किसी को, नो सर अभी तक तो नहीं है, अभी तक ठीक है। अच्छा जी अब इसमें जो ये आप ये एनर्जी डिसिपेटेड भी निकाल लेंगे यार, कैपेसिटर वोल्टेज है T=2 μs, अब कैपेसिटर क्या है, सोर्स एक्ट कर रहा है और वो डिके करेगा, ये आपको जैसा कि वेवफॉर्म भी बता रही है, करंट भी डिके करेगा क्योंकि ये कौन सा कांस्टेंट सोर्स है, जब ये डिसिपेट कर देगा एनर्जी करंट इज आल्सो डिकेइंग बिकॉज़ द वोल्टेज इज डिकेइंग। तो नेक्स्ट में देखते हैं, ये देखें एनर्जी डिसिपेटेड निकाल ली 1/2 CV², यहाँ से ही आपके पास एनर्जी का यूनिट जो जूल होता है, और आप आर सी टाइम कांस्टेंट निकाल लेंगे, ये देखिए डिके की इक्वेशन होती है आपके पास, सी यहाँ पे टाइम 2 μs है तो टी आप वो पुट कर लेंगे, आर सी आपके पास यहाँ से आ जाएगा, तो मेरा नहीं ख्याल ये कोई मुश्किल चीज है, हो जाएगा भी जी, हो जाएगा खुली सर। नेक्स्ट है आर एल लोड विद द डायोड, ठीक है, इसमें भी वही चीज है आपके पास, सर्किट पे थोड़ा सा जाते हैं, सर्किट में क्या है जी, आर एंड इंडक्टर एंड रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द डायोड, स्विच ऑन करेंगे, आपको पता है जो इंडक्टर की प्रॉपर्टी, इट कैन नॉट अलाउ द करंट टू चेंज थ्रू इट अब्रप्टली, क्या होगा इंडक्टर ऐसा ओपन सर्किट होगा, ये देखें ये करंट की वेवफॉर्म ये शो कर रही है ना जी सर, आहिस्ता आहिस्ता ही अलाउ करेगा करंट, फुली एनर्जाइज इंडक्टर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, तो ये इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज है, देखिए जी ये फुली जब एनर्जाइज हो जाएगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगी,
शॉर्ट सर्किट तो वो तो जीरो हो जाती है ना किसी भी चीज जी सर। जब इसकी हम इलेक्ट्रो वोल्टेज आस लिखेंगे फोर्स इंडक्टर प्लस रेजिस्टर एल डी आई बाई डी टी, ये इंडक्टर की क्रॉस वोल्टेज होती है आर आई ठीक है, रेजिस्टर। अब इसको मान लें ये हम सॉल्व करें बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन व्हाटएवर इट इज बाय डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका सॉल्यूशन ये आएगा। यहां से हम डी आई बाई डी टी निकाल सकते हैं, चेंज निकाल सकते हैं और इनिशियल चेंज निकाल सकते हैं टी वोल्टेज ठीक है। Based on these equations, these graphs can be explained. तो हम अपनी intuitive से explain कर सकते हैं, दूसरा यहाँ के भी explain कर सकते हैं current ऐसे क्यों हो रहा है, ठीक है? तुमने बात समझ आ रही है नहीं? जी सर। चलो यहाँ तो ये का अच्छा अब ये देखें, अब एक बड़ी next topic की बात है। सपोज आपने स्विच क्लोज किया हुआ और ये आपका इंडक्टर फुली जायज हो गया, आप इस डोमेन में नहीं। अगर आपने अब स्विच खोलना है तो क्या होगा यहाँ पे, व्हाट विल हैपन? द इशू इज दैट व्हेन यू ट्राई टू ओपन द स्विच, तो ये इंडक्टर अपने में एनर्जी रिटेन रखने के लिए अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करेगा। जो रिवर्स करेगा देन देयर इज अ स्पार्क क्रॉस सेक्शन ऑन द स्विच। इस चीज को ओवरकम करने के लिए फ्री व्हीलिंग डायोड यूज होता है, डिस्कस करेंगे हम उसको डिस्कस करेंगे आगे टॉपिक में आएगा ठीक है। ये छोटी सी आपके पास एग्जांपल है, वो ही आपने एनर्जी स्टोर बनानी है बतानी है। पहले तो आपने बताना है कि स्टेडी स्टेट डायोड करंट क्या होगा। आपके पास सिर्फ देखें इंडक्टर स्टार्ट हो जाता है तो 220 डिवाइड बाय 4 आपके पास आ जाएगा करंट, ऐसी है जी? जी सर। वो सोए तो नहीं हुआ अभी छाने जाग रहे हैं ये ना थोड़ी थोड़ी यानी क्या जो काम ही हो गया कि लगे रहते हो हालात ऐसे ही हैं सर। सर आपकी आवाज नहीं साफ आ रही। पूरे 40 मिनट बाद दसो कितना साफ कराना 10 मिनट मेरे को तो पहले सही थी, पहले सही थी अब नहीं आ रही। तो चीजें तो वही है, मैं अपनी जगह पे बैठा हूँ और पता नहीं सर ये शायद किसी का माइक ऑन है उस वजह से पीछे से शोर आ रहा है। चलो मैं साहब के माइक बंद कर दूं, ये गलती होगी मेरे से। अब आपने हाथ हिला के बताना है जी आ रही है सही। अब आ रही है सही जी, हाथ हिलाना है जिसमें क्वेश्चन वाला हाथ है। हाँ ठीक हो गया, अब सही आ रही होगी। अब ये नेक्स्ट ये एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, तो उसमें क्या है आपके पास एल आई वन और टू एल आई स्केल ठीक है। ये बी करंट आपने निकाल लिया, एनर्जी स्टोर निकाल लिया। तीसरा आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है इनिशियल डी आई बाई डी टी। उसके लिए देखें हमने कंप्यूट किया था डी आई बाई डी टी ऊपर, वो आप कर लेंगे यहां से आप मैनेज कर लेंगे ठीक है। डी आई बाई डी ऊपर जब आपने कैलकुलेट किया ना उसको देख लिया, और लास्ट में भी उसने एक चीज को पूछ ली है, वो क्या है जी ये बी टी डी में उसने एक चीज खुद ही कैलकुलेट कर दी ये बी टी आप कर लें। ये नेक्स्ट उसने कुछ अपने तौर पे करंट एट 1 मिली सेकेंड उसने पूछा है, तो उसने वो निकाल के आपको दिखा दिया करंट एट 1 मिली सेकेंड। तो ये प्रॉब्लम अपनी जगह इंपॉर्टेंट है मेरा ख्याल। आई एम गोइंग टू अनम्यूट आर, आज के लिए मेरा ख्याल ये काफी है। मैं ये आपके एलएमएस अकाउंट्स है ना, मैंने खोल दिया आपका माइक, तो आज के लिए ठीक है सर, आज काफी है सर। जी सर आई थिंक इट है।